तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेते हैं, ये R और ये L, ये हो गया R, ये हो गया L। यहाँ पे एक हमने एसी सोर्स डाल दिया जिसकी वोल्टेज है V नॉट साइन ओमेगा टी। इसको आवाज हो गया ना, आ रहा तो बेटा हमें करंट निकालना है। तो यहां पे देखते हैं रेजिस्टेंस तो सेम फेज में करंट मेंटेन करने की कोशिश करता है, इंडक्टर पीछे करता है, इंडक्टर के क्या करता है फेज को पीछे करता है, इंडक्टर में इंडक्टर के क्रॉस जितनी पोटेंशियल डिफरेंस है इंडक्टर फेज पावर को पीछे करने की कोशिश करता है। बट अब इंडक्टर के साथ रेजिस्टेंस भी, रेजिस्टेंस सोर्स के साथ सेम फेज मेंटेन करने की कोशिश करेगा, इंडक्टर पीछे करने की कोशिश करेगा। तो यहां पे करंट को डाल देंगे, एज्यूम I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइ, ये फाइ जीरो पाई के बीच में आएगा। तो इंडक्टर क्या करेगा, करंट का फेज पीछे लेके जाएगा। इंडक्टर क्या करेगा, अगर रेजिस्टेंस नहीं होता इंडक्टर पाई टू पीछे ले जाता, इंडक्टर पाई टू पीछे ले जाता। तो क्या करते हैं यहाँ पे बेटा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी टाइम पे, ये पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके बराबर आएगा। सबके जो करंट सेम है, सबके थ्रू करंट सेम है, तो सीरीज में सबके थ्रू करंट सेम फेज में आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम फेज में नहीं आएगी। सबके थ्रू करंट सेम फेज में आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम फेज में नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखते हैं V नॉट साइन ओमेगा टी, ये पीडी तो इस पीडी के बराबर आएगा। तो इसके अक्रॉस इंस्टेंटेनियस पीडी कितना आएगा बेटा, मैक्सिमम करंट कितना है I नॉट, सबके थ्रू मैक्सिमम करंट कितना है I नॉट। तो इसके अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, I नॉट R इनटू साइन बेटा, इसके अंदर करंट का फेज क्या है ओमेगा टी माइनस फाई। तो इसके क्रॉस पीडी का भी फेज साइन ओमेगा टी माइनस फाई आएगा, प्लस इसके क्रॉस मैक्सिमम करंट आई नॉट है। तो मैक्सिमम वोल्टेज कितनी आएगी, मैक्सिमम वोल्टेज कितनी आएगी, आई नॉट एक्सी, आई नॉट एक्सी पास कर दीजिए, तो आई नॉट आर साइन ओमेगा टी माइनस फाई प्लस आई नॉट एक्सी इसके क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो पाई बाय टू फेज ज्यादा आएगी, वो पाई बाय टू आगे आएगी, करंट पीछे आएगा तो वोल्टेज क्या करेगी आगे जाएगी। तो बेटा इंडक्टर में करंट का फेज पीछे होता है, वोल्टेज का आगे होता है पाई बाय टू, कैपेसिटर में करंट का आगे होता है वोल्टेज का पीछे होता है। तो इसमें कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस पाई बाय टू, माइनस फाइव प्लस पाई बाय टू। तो ये कितना आएगा, एक्स नहीं आएगा, ये कितना आएगा एक्सएल, ये कितना आएगा एक्सएल। तो देखते हैं ये किसी एक रोटेटिंग वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है, ये दूसरे रोटेटिंग वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है, तो ये किसका होना चाहिए, ये उन दोनों रोटेटिंग के रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट होना चाहिए। तो ये कौन से वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है, आई नॉट आर, ये कौन से वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है, आई नॉट एक्सएल, ये कौन से वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है, यू नो। तो फेजर ड्रॉ करते हैं, फेजर यहां पे ड्रॉ करते हैं। तो हमें निकालना क्या है, अपन को निकालना है I नॉट और phi, सिंपल इतना से निकालना है, एक डायग्राम से आ जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो I नॉट R, I नॉट R, तो t is equal to 0 पे ड्रॉ करते हैं, ये एंगल कितना आएगा phi by 2। तो t is equal to 0 पे ये नेगेटिव y से कितना एंगल बना रहे हैं, t is equal to 0 माइनस phi, ये किस रोटेट करेगा ओमेगा से, वो हम t is equal to 0 पे निकाल लेते हैं हर टाइम पे, क्योंकि सारे वेक्टर सेम रोटेट कर रहे हैं, तो वेक्टर के बीच में मैग्नीट्यूड और एंगल के रिलेशन सेम आएंगे, सब वेक्टर के बीच में एंगल सेम आएंगे, वो हमें पता है। तो ये कितना आएगा I not XL, t is equal to 0, t is equal to 0, तो बेटा ये आएगा minus phi, sorry, ये आएगा minus phi, minus phi का मतलब इस side, minus phi का मतलब इस side, तो ये t is equal to 0 से minus phi plus pi by 2, तो दूसरा कितना आएगा I not XL, minus phi plus pi by 2, तो ये आएंगे कितना आ जाएगा, तो बेटा ये हो गया minus phi, ये हो गया plus pi by 2, तो ये आएगा resultant, ये आएगा resultant, t is equal to 0 पे कितना एंगल बन जाएगा v नॉट। तो बेटा एक रेडियंगल ट्रायंगल है, तो एक रेडियंगल ट्रायंगल है, तो यहां पे देख सकते हैं v नॉट स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस इस स्क्वायर के बराबर आएगा, v नॉट स्क्वायर ये स्क्वायर प्लस इस स्क्वायर के बराबर आएगा। ये तो डायरेक्टली भी कर सकते थे बेटा, ये sin थीटा cos थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा वहां से भी कर सकते हो, बट उससे फेज नहीं आएगा, उससे फेज नहीं आएगा, मैं मैथमेटिकली उससे भी करा सकता था, बट ये डायग्राम बनाना बहुत बेटर है, सारी चीजें मिल जाती है। तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, v नॉट स्क्वायर, v नॉट स्क्वायर विल बी इक्वल टू i नॉट r
स्क्वायर प्लस आई नॉट एक्सएल स्क्वायर। तो हम देखते हैं ये जो इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस है, ये जो इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस वी मैक्स है वी नॉट और इसके क्रॉस आई मैक्स है आई नॉट। तो इस पूरे का इंपीडेंस, इस पूरे का इंपीडेंस, इंपीडेंस ऑफ एलिमेंट, इंपीडेंस कितना आएगा वी नॉट बाय आई नॉट। तो इस पूरे सर्किट का इंपीडेंस कितना आएगा वी नॉट बाय आई नॉट। अब देख लो कितना आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। बेटा हमें आई नॉट तो मिल गया, यहां से हमें आई नॉट तो मिल गया, हमें क्या क्या निकालना था आई नॉट। तो बेटा आई नॉट कितना आएगा, आई नॉट आएगा वी स्क्वायर बाय वी बाय आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर अंडर रूट। ये कितना आ जाएगा v by z, ये कितना आ जाएगा v by z। तो i नॉट तो आ गया, अब हमें phi निकालना है, हमें phi निकालना है। phi कितना आएगा tan of phi, tan of phi कितना आएगा i नॉट xl by i नॉट r will be equal to xl by r will be equal to xl by r। तो बेटा किसी भी एसी सोर्स से हमें करंट निकालना है, किसी भी एसी सोर्स से हमें करंट निकालना है। तो मैं बस एक बार एलसीआर सर्किट कर देता हूँ, एक बार एलसीआर सर्किट कर देता हूँ, उसके बाद पावर कंस्ट्रेंट्स पे क्वेश्चंस लेने हैं। तो मैं इसको दोबारा रिपीट करूंगा, तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखना इस सर्किट का इंपीडेंस कितना आ रहा है आर स्केयर प्लस एक्सएल स्केयर। एक्सएल कितना आएगा वन, एक्सएल आएगा ओमेगा एल, एक्सी आएगा वन बाय ओमेगा सी, एक्सी आएगा वन बाय ओमेगा सी। बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीरीज एलसीआर सर्किट। सीरीज एलसीआर सर्किट विद एसी सोर्स, वो मैंने दोनों जानबूझ के कराना प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि एलसीआर में आर हटा दोगे तो एलसीआर जाएगा, अब ध्यान रखना एल हटा दोगे तो सीआर आ जाएगा, सी हटा दोगे तो एल आर आ जाएगा, उसी एक सर्किट से सारा क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये सिर्फ एलसीआर की प्रैक्टिस करने के लिए कि वहां तक कम कर लें, ये तो एक ही क्वेश्चन काफी है। अब अपना एडवांस का सिलेबस देखोगे तो उसमें लिखा होगा आरसी एलआर एलसीआर सर्किट विद एसी एंड डीसी सोर्सेस, विद एसी एंड डीसी सोर्सेस। तो डीसी सोर्सेस तो हमने कर लिए, एसी सोर्स का करना बचा है, एसी सोर्स का करना बचा हुआ। तो विद एसी सोर्स तो ये देखते हैं, ये आर आर, ये सी और ये एल, ये आर ये सी और ये एल। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन मेगा टी, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन मेगा टी। तो यहाँ पे हम करेंगे एज्यूम आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो बेटा ये तो करंट को सिंथेसाइज करने की कोशिश करेगा वोल्टेज में, ये करंट के फेज को बढ़ाएगा वो कम करेगा, ये बढ़ाएगा वो कम करेगा। अब हमें नहीं पता ये बढ़ा पाएगा, ये ज्यादा बढ़ाएगा या ज्यादा कम करेगा। तो हम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव मान लेते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव मान लेते हैं, कुछ बुक्स में इसको माइनस मानते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ओम्स लॉ लगा देते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस माइनस ये कितना आएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये कितना होगा, ये पोटेंशियल माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये। तो ये पोटेंशियल माइनस ये, इसमें करंट कितना है आई इज इक्वल टू आई साइन ओमेगा टी माइनस प्लस फाइव, मैंने लिया प्लस फाइव लिया। तो अपन को बस एक ही बात देखनी है, अपन को बस एक ही बात देखनी है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, आई नॉट और फाइव निकालना है। ये निकाल लिया हम सारी चीजें निकाल देंगे, ये निकाल लिया हम सारी चीजें निकाल देंगे। तो आई नॉट और फाइव निकालना है, नहीं तो सॉल्व करने का जो मेथड है ये पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरल मेथड आएगा वो कितना आएगा, वी कितना आएगा आई आर
प्लस क्यू बाई सी प्लस एन डी आई बाई डी टी। तो मैं आपको बढ़िया वाला मेथड बता देता हूँ जो कि हमें यूज करना है। मैं सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि ऐसी इक्वेशंस आएंगी, हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये मेथड लेके आरसी एलसीआर सर्किट पर आके करेंगे। तो ये इक्वेशन कहाँ पे आएगी, डैम्प्ड ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन में। ये जीरो आ जाएगा डैम्प्ड में, तो जीरो वाला कर लिया तो दूसरा भी हो जाएगा, जीरो वाला आएगा डैम्प्ड में, जीरो वाला आएगा डैम्प्ड में और साइन नेगेटिव उसमें आएगा फोर्स ऑसिलेशन में। तो बेटा ये आ जाएगा एल डी टू क्यू बाई डी टी टू, एल डी टू क्यू बाई डी टू प्लस आर डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी विल बी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब कर लो सॉल्व इसको बेटा। इसके लिए मुझे 3-4 दिन मैथ्स पढ़ानी पड़ेगी, तो पॉसिबल नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ये पोटेंशियल माइनस ये लिखते हैं, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये, फेजेस यूज करते हैं। तो इसमें करंट रेजिस्टेंस पे करंट और पोटेंशियल सेम फेज में होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम करंट कितना है इनटू मैक्सिमम रेजिस्टेंस साइन ओमेगा टी प्लस पाई। तो इसमें पीडी इस करंट के सेम फेज में आएगा, इसमें पीडी पीछे आएगा, इसमें पीडी आगे आएगा क्योंकि रेजिस्टेंस में करंट आगे फेज में होता है। वैसे इन तीनों में करंट सेम फेज में है, बट रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होती है, कैपेसिटर में करंट आगे होते हैं, इंडक्टर में करंट पीछे होता है। तो इसमें करंट तो दिया हुआ है, इसमें करंट तो आगे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा प्लस आई नॉट एक्सी। तो इसके थ्रू मैक्सिमम करंट आई नॉट, तो मैक्सिमम पीडी कितना आएगा, ओम्स लॉ लगाएंगे, मैक्सिमम करंट इनटू इसका रिएक्टेंस, इसका रिएक्टेंस कितना होगा, कितना इनटू साइन ओमेगा टी। तो इसका पीडी पाई बाय 2 पीछे साइन ओमेगा टी प्लस पाई माइनस पाई बाय 2 प्लस आई नॉट एक्सएल। इसके क्रॉस पीडी मैक्सिमम करंट इनटू इसका रिएक्टेंस, मैक्सिमम करंट इनटू इसका रिएक्टेंस वो ओम्स लॉ है। अब इसमें करंट पीछे होगा वोल्टेज आगे होगा, तो करंट की फेज तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई है, तो ये कितना है साइन ओमेगा टी प्लस पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हमें क्या निकालना है आई नॉट फाई। तो फेजर डायग्राम शुरू करते हैं, ये एक वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है, ये एक वेक्टर का कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट, ये एक वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है, ये वेक्टर का रोटेटिंग वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है। तो अगर एक्स कंपोनेंट निकालना है हमें, प्लस लिखते हैं ये तीन वेक्टर है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, आई नॉट आर साइन ओमेगा टी प्लस वाई टी इक्वल टू जीरो पे ड्रॉ करो, ये वेक्टर कितना आएगा, ये वेक्टर आएगा आई नॉट आर, ये एंगल आएगा फाई, तो ये रोटेटिंग वेक्टर है। तो ये पूरी टर्म उसका एक्स कंपोनेंट है, ये साइन ओमेगा टी प्लस वाई माइनस पाई बाय 2। तो टी इक्वल टू जीरो पे देखो आई नॉट एक्सी फाई माइनस पाई बाय 2। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आई नॉट एक्सी, ये पूरा एंगल कितना आएगा पाई बाय 2। टी इज इक्वल टू 0 पे देखो, टी इज इक्वल टू 0 पे देखो, टी इज इक्वल टू 0 पे देखो, यहां पे टी इज इक्वल टू 0 पे, यहां पे इसको देखो, ये कितना हो जाएगा आई नॉट एक्सएल, आई नॉट एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 माइनस साइन फाइव बाई 2 प्लस। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे फाइव है और ये फाइव बाई 2, तो बेटा यहाँ पे ये फाइव बाई 2, ये कितना हो जाएगा आई नॉट एक्सएल, ये कितना हो जाएगा आई नॉट एक्सएल, ये हो जाएगा आई नॉट एक्सएल। तो बेटा इसको मैं करके आई नॉट एक्सएल, अगर तो इन तीनों वेक्टर का सब ऐसे आएगा, इन तीनों वेक्टर का, और ये क्या आएगा v नॉट साइन ओमेगा टी, और ये कितना हो जाएगा v नॉट, तो ये कितना हो जाएगा i नॉट इनटू xl। तो मैं क्या करूंगा, ये तीनों चीज इन तीनों के x कंपोनेंट्स और इसका x कंपोनेंट बराबर है, तो इसका दूसरा मतलब क्या होता है, इन तीनों वेक्टर का सम ये है, तो इसको उल्टा करो, इसको उल्टा करो, तो इसको आप उल्टा कर लो, तो ये कितना आ गया i नॉट r, ये कितना आ गया i नॉट एक्स सी माइनस एक्स एल, ये कितना आ गया आई नॉट एक्स सी माइनस एक्स एल। तो यहाँ पे हम सब देख सकते हैं, ये आई नॉट एक्स सी वो आ गया आई नॉट एक्स एल, ये आ गया आई नॉट एक्स सी वो आ गया आई नॉट एक्स एल। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसमें करंट
इस तरह से आएगा, तो इसको हम बेटा ये आई नॉट एक्सएल ऐसे मार्क कर लिया, ये आई नॉट एक्सएल ऐसे मार्क कर लिया, तो ये वेक्टर प्लस ये प्लस ये तीनों के एक्स कंपोनेंट, इसका एक्स आउट के बराबर होगा, इसका एक्स कंपोनेंट प्लस इसका एक्स कंपोनेंट, इसके एक्स कंपोनेंट के बराबर होगा। तो इसका मतलब है ये तीनों का सम ये वेक्टर है, ये तीनों का सम ये वेक्टर है, ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आएगा, तो ये रिजल्टेंट है तीनों का। तो इसको तो अपन ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे डायग्राम इसमें दिख रहा है, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा आई नॉट आर, ये आ जाएगा आई नॉट आर, और ये आ जाएगा आई नॉट एक्स सी माइनस एक्स एल, और ये बताएंगे कितना है फाइ। तो इन तीनों का सम कितना आएगा वी नॉट, इन तीनों का सम कितना आएगा वी नॉट। तो बेटा हम यहाँ पे लिखते हैं, मुझे यहाँ से देखिए बेटा मैसे चलो इसको नीचे ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। तो ये आ जाएगा आई नॉट आर, ये आ जाएगा आई नॉट एक्स सी माइनस एक्स एल, ये एंगल आ जाएगा फाइव, और इन सब का सम आ जाएगा वी नॉट। तो एक बार देखते हैं, इस एल सी आर इसके अक्रॉस वी मैक्स कितना है वी नॉट, आई मैक्स कितना है I not। तो यहां से हम देख सकते हैं, यहां से हम देख सकते हैं V not square, V not square will be equal to I not R whole square plus I not XL minus XC whole square। तो XC minus XC करो या XL minus XC करो, बुक्स में XL minus XC लिख के, तो यह आ जाएगा। तो यहां पे हम साफ देख सकते हैं Z कितना आएगा, इसका इंपेडेंस V not by I not, ये कितना हो जाएगा R square plus XL minus XC whole square under root। तो V not by R square, तो बेटा V not आ जाएगा। तो यहाँ पे I not कितना आएगा, हमें क्या निकालना, I not will be equal to V not by R square plus XL minus XC whole square under root। और ये tan phi कितना आएगा, ये tan phi कितना आएगा बेटा, ये tan phi कितना आएगा, this tan phi will be equal to xc minus xl by r, बेटा मुझे दो मिनट का देना, थोड़ा स्प्रेड कराने के लिए एक दो मिनट का वक्त दीजिएगा मुझे, थोड़ा स्पेक्स लेके आपके लिए। Just give me 2 minutes, beta. तो बेटा यहाँ पे मैंने इसको प्लस फाइव ले लिया है, अब एक बार सॉल्व करता हूँ माइनस फाइव लेके, क्योंकि स्टैंडर्ड मेथड बुक्स पे जो है माइनस फाइव लेके है, स्टैंडर्ड मेथड जो है माइनस फाइव लेके है, तो ये ट्रायल के लिए कर दिए। तो यहाँ पे जब भी हम लेते हैं स्टैंडर्ड मेथड होता है एलसीए सर्किट में आई नॉट साइन वाला टी माइनस फाइव देना, अब मैं बाद में डिस्कस करूँगा क्यों। तो प्लस फाइव कभी नहीं लेते बुक में, जो स्टैंडर्ड मेथड है साइन वाला टी माइनस फाइव लेते हैं, मैं उसको डिस्कस करूँगा क्यों। तो इसको बस एलसीए सर्किट एक बार स्टैंडर्ड मेथड से देख लेते हैं हम, जस्ट एक चलो हम कुछ दूसरे क्वेश्चंस करते हैं, तब तक वही करें बेटा, मैं कुछ क्वेश्चंस से आया हूँ, मैं मार्क करूँगा इसका।
यहाँ पे हम तीन क्वेश्चन देख लेते हैं। बेटा v is equal to v naught sin omega t, यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ। फाइंड करंट इन सर्किट, फाइंड करंट इन सर्किट, एसी करंट इन सर्किट, फाइंड इंस्टेंटेनियस, फाइंड फाइंड फर्स्ट इंस्टेंटेनियस सर्किट इन सर्किट, फाइंड फाइंड इम्पीडेंस ऑफ आरसी सर्किट। तो इस पूरी ब्रांच की इम्पीडेंस निकालनी है, इस पूरी ब्रांच की इम्पीडेंस निकालनी है। थर्ड फाइंड पावर delivered by AC source to AC source to AC source to RC circuit, AC source to RC circuit। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैं दो चीजें इंपॉर्टेंट जो करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, वो है इम्पीडेंस की डेफिनेशन, वो है इम्पीडेंस की डेफिनेशन। तो इम्पीडेंस पे स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि मैं मेथड एकदम से चेंज करूंगा, बुकिश मेथड पे जाऊंगा, क्योंकि बुकिश मेथड ये वाला मेथड समझने के लिए बहुत अच्छा है, प्रोवाइडेड समझ में आए, बुकिश मेथड सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा है। तो मुझे बुकिश मेथड पे जाना है, पर बुकिश मेथड में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसमें कन्फ्यूजन्स आ जाती हैं, वो कन्फ्यूजन्स नहीं के लिए मैंने ये मेथड करा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इम्पीडेंस होता है मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट, वो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज करूंगा। ध्यान रखना, मैंने पहले वेक्टर से कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन वेक्टर से कर सकते हैं उसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी कर सकते हैं। जो भी वेक्टर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में वेक्टर एडिशन होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में वेक्टर एडिशन होती है। तो हम एक दो बार करने के बाद ये सारे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से करेंगे, ये सारे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से करेंगे, तो वहाँ पर थ्योरी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम तीनों केस में एक बार इम्पीडेंस निकाल लेते हैं, सबसे पहले हम एक बार इम्पीडेंस निकाल लेते हैं। बड़े तीन क्वेश्चन कर लेते हैं, हम इस मेथड को आज कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला मेथड हम कल कर लेंगे, वो उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता। 5, 6, 7, हाँ इसी हो जाएगा 7 तारीख तक, कल थी 4, 4 को लिया था ना, 4, 5, 6, हाँ 4 दिन में पूरा हो जाएगा। तो बेटे इसको 2 मिनट कीजिए, मैं एक बस थोड़ा स्प्रे कर रहा हूँ।
इधर मैं बस स्टीमर कर लेता हूँ, फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाला मेथड आज इंट्रोड्यूस करके, तो सबसे इम्पोर्टेंट तीन चीजें हैं ध्यान रखना, रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज चेंजेस में आएगा, कैपेसिटेंस में करंट का फेस पाई बाय टू आगे आएगा, इंडक्टर में पाई बाय टू पीछे आएगा। रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस आ रहे हैं, कैपेसिटेंस की रेजिस्टेंस 1 बाय ओमेगा सी मान लो, या उसको रिएक्टेंस बोलते हैं, या उसको रिएक्टेंस बोलते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इंडक्टेंस की रेजिस्टेंस ओमेगा मान लो, उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। जनरल ओम्स लॉ क्या है, वी मैक्स बाय आई मैक्स इंपेडेंस होता है। जनरल ओम्स लॉ क्या है, वी मैक्स बाय, तो रेजिस्टेंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सेम फेज में आते हैं, सेम फेज में आते हैं, तो मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट सेम टाइम पे आएगा, तो वहां पे वोल्टेज बाय करंट को रेजिस्टेंस बोल देते हैं। बट हर सर्किट में वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट सेम फेज में नहीं आता है, तो जो जनरल ओम्स लॉ होता है वो मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट जो कि अलग अलग टाइम पे आता है वो इंपेडेंस के बराबर आता है। तो जो अगर वो दोनों सेम टाइम पे ना आए, अगर वो दोनों सेम टाइम पे ना आए, वो टी बाय टू के बाद आए तो उसे रिएक्टेंस बोलते हैं, किसी भी टाइम के बाद आए तो उसे इंपेडेंस बोलते हैं, किसी भी टाइम के बाद आए तो उसे इंपेडेंस बोलते हैं, बस इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ I is equal to I naught sin omega t plus phi। अब मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, बुक्स में मैक्सिमम बुक्स में यहाँ माइनस फाइव लेके सोल्व करते हैं, मैंने प्लस फाइव ले लिया, माइनस फाइव लेके, तो मैक्सिमम बुक्स में जब लिखते हैं तो माइनस फाइव करके करते हैं, मैं समझाने के लिए प्लस फाइव कर रहा हूँ क्योंकि प्लस फाइव है, वो फाइव माइनस में आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बुक्स में माइनस फाइव लेके सोल्व करते हैं, तो मैं उसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स में समझा दूंगा माइनस क्यों करते हैं। तो बेटा यहाँ पे हम ले लेंगे I is equal to I naught sin omega t plus phi, तो V naught आ जाएगा, V naught आ जाएगा I naught R, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ये V naught sin omega t, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा V naught sin omega t, ये आ जाएगा ये पोटेंशियल डिफरेंस प्लस ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये आ जाएगा I naught R sin omega t plus phi plus इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस I naught पोटेंशियल डिफरेंस पीछे रहेगा तो आ जाएगा माइनस पाई बाय टू, ये आ जाएगा माइनस पाई बाय टू। तो यहाँ पे फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, आई नॉट आर I not R, यहाँ पे phi angle पे, I not XC, plus phi minus pi by 2, I not XC, ये STM के phases याद रखेगा, STM के phases याद रखेगा, और ये आ जाएगा, V not, तो ये vector का sum इसके बराबर होगा, तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे, V not square कितना आएगा, I not square, R square plus XC square, तो इस पूरे के क्रॉस, इस पूरे के क्रॉस वी मैक्स आएगा वी नॉट और करंट जा रहा है आई नॉट, तो जेड आ जाएगा, तो जेड आ जाएगा किसी भी एलिमेंट के लो, किसी भी एलिमेंट के लो इंपेडेंस कितने होते हैं वी मैक्स बाय आई मैक्स, ये ओम्स लॉ है, ये एक ओम्स लॉ है। जेड कितना आएगा वी मैक्स बाय आई मैक्स, ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस तो tan phi कितना आएगा, tan phi कितना आएगा, tan phi आएगा xc by r, बेटा i not, i not कैंसिल हो जाएंगे। लास्ट निकालना है पावर डिलीवर्ड बाय एसी सोर्स, पावर डिलीवर्ड बाय एसी सोर्स, तो पावर डिलीवर्ड बाय एसी सोर्स, तो यहां पे देखते हैं पावर डिलीवर्ड बाय एसी सोर्स ये कितना था वी नॉट आई नॉट बाय टू कॉस फाई, ये कितना था, ये था पावर डिलीवर्ड बाय एसी सोर्स, ये कितना था वी नॉट I not by 2 into cos of phi, इस cos phi को power factor बोलते हैं, this cos phi is called power factor, this cos phi is called power factor, this cos phi is called power factor, तो ये definition के लिए था, वहां पे मैंने लिखा था इसको बोलते हैं power factor, तो यहां पे देख लेते हैं
अगर फाइव पाइवे टू है, अगर फाइव पाइवे टू है तो पावर डिवाइड बाय आएगा जीरो, फाइव फाइव कैपेसिटर और इंडक्टर सर्किट के लिए पाइवेट होता है, कैपेसिटर और इंडक्टर सर्किट के लिए पाइवेट होता है, एक में प्लस पाइवेट होता है एक में माइनस पाइवेट होता है, देखते हैं। तो बेटा इसको लिख सकते हैं वी आरएमएस आई आरएमएस इनटू कॉस फाई इनटू कॉस ऑफ फाई। तो कॉस फाई यहां से कैसे निकालेंगे, यहां से कॉस फाई कैसे निकालेंगे, कॉस फाई आएगा ये साइड बाय ये साइड, कॉस फाई कितना आएगा, कॉस फाई कितना आएगा बेटा, आई नॉट आर कॉस फाई कितना आएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है कॉस फाई आएगा, तो ये आ जाएगा वी आरएमएस आई आरएमएस कॉस फाई, कॉस फाई आएगा आई नॉट आर बाय आई नॉट जेड, आई नॉट आर बाय आई नॉट जेड। तो पावर डिलीवर्ड, तो एवरेज पावर डिलीवर्ड कितने आ जाएगी, आई नॉट वी नॉट बाय टू ही लिख देता हूं मैं यहां पे, कॉस फाई, कॉस फाई कितना आएगा आर बाय जेड, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। बेटा बाकी दोनों के लिए मैं आपको दे रहा हूं, ये तीनों चीजें आपको निकालनी है, इंस्टेंटेनियस करंट सर्किट, इंपीडेंस पास सर्किट। तो एक्चुअली में सेकंड दिया हुआ है, हम आगे उल्टा करेंगे, पहले इंपीडेंस निकालेंगे फिर पैसिव करंट निकालेंगे, बाद में हम ऐसा करना शुरू करेंगे। तो बेटे पावर डिलीवर के बाद हमारा आर सी सर्किट कंप्लीट हो जाते हैं, आर सी सर्किट कंप्लीट हो जाते हैं। तो एल आर और एल सी आर, एल आर और एल सी आर सर्किट के लिए मैं क्वेश्चन दे देता हूँ फाइंड, तो यहाँ पे लिख देता हूँ फाइंड वन इंस्टेंटेनियस करंट इन शून, फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट सेकेंड इंपीडेंस ऑफ आर एल सीरीज एलिमेंट, थर्ड पावर डिलीवर टू एल आर सर्किट, पावर डिलीवर टू एल आर सर्किट। ये आर, ये एल और ये एसी सोर्स, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, एज्यूम क्या कर लेंगे, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस वाई। ध्यान रखना बुक्स में जब स्टैंडर्ड करंट एज्यूम करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के मेथड में, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस वाई होता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि इसको मुझे आगे यूज करना है। तो यहाँ पे वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके क्रॉस होगा प्लस इसके क्रॉस होगा, तो हम मान लेंगे वो कितना होगा, आई नॉट आर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब तक इसकी प्रैक्टिस हो गई होगी, आई नॉट इनटू एक्सएल मैक्सिमम वोल्टेज इसके क्रॉस आएगा, दोनों में करंट सेम फेज में, दोनों में करंट सेम फेज में, इसमें वोल्टेज पावर टू आगे होगी, इसमें वोल्टेज पावर टू आगे होगी, इसमें वोल्टेज पावर टू आगे होगी, तो ये कितना होगा साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस पावर टू, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस पावर टू। तो फेजर कैसे बनेगा, ये आएगा आई नॉट आर आएगा I not R, I not R कहाँ पे आएगा, चलो यहाँ पे देखते हैं I not R कहाँ पे आएगा। बेटा T को जीरो डालोगे माइनस फाइव, T को जीरो डालोगे I not R कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ये आएगा फाइव ऐसे माइनस फाइव प्लस फाइव बाई टू, ये आएगा I not XL और ये आएगा V not, ये आएगा V not। तो इनका सम
ये बनेगा, इनका सम ये बनेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं v not square will be equal to i not square r square plus xn square। तो बेटा इसके क्रॉस इंपेडेंस, इसके क्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं i not कितना आएगा, v not by r square plus xn square under root, और tan phi कितना आ जाएगा, tan phi आ जाएगा xn by r, tan phi आ जाएगा ये sin by ये sin, right angle triangle है xn by r। तो करंट आ गया, इंपेडेंस कितना आएगा, तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड इंपेडेंस कितना आएगा बेटा इसके क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज v not, तो इसका इंपेडेंस आएगा v not by i, ये कितना आएगा r square plus xn square under root। अब देखते हैं पावर डिलीवर्ड, अब देखते हैं पावर डिलीवर्ड, कोई भी एसी सोर्स कितनी पावर डिलीवर करता है। थर्ड, एवरेज पावर डिलीवर्ड, एवरेज पावर डिलीवर्ड, एवरेज पावर डिलीवर्ड, एवरेज पावर डिलीवर्ड कितना आएगा बेटा, v not i not by 2, v not i not by 2 into cos phi, into cos phi, into cos phi। तो ये देख लेते हैं ये कितना आएगा, v not i not by 2 into cos phi, cos phi कितना आएगा, cos phi आएगा ये सिर्फ by ये, ये आएगा r by z, cos phi कितना आएगा r by z, तो ये आ जाएगा v not i not by 2। तो बेटा ये cos phi power factor है, ये cos phi power factor है, तो उस साइड में phi positive था पिछले केस में, यहाँ पे phi negative है, ध्यान रखना, ध्यान रखना, कैपेसिटिव सर्किट में phi positive था, यहाँ पे phi क्या है, negative, sorry, तो बेटा एक साइड में फाइव उधर था, एक साइड में फाइव इधर है, पर तो यहां पे हम देखते हैं बेटा, तो यहां पे हम देखते हैं ये आएगा आर बाय जेड, ये आएगा आर बाय जेड, तो जेड कितना आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, एक्स स्क्वायर अंडर रूट, एक्स कितना आएगा वन बाय ओमेगा सी, वन बाय ओमेगा सी। फिर ऐसे सर्किट करते हैं और एक कंडीशन ऑफ रेजोनेंस में जाते हैं, और एक कंडीशन ऑफ रेजोनेंस में जाते हैं। तो लास्ट वाला मैं कर देता हूँ, अब ये तो हमारा एसी सर्किट का एडवांस का सिलेबस पूरा हो जाएगा, एडवांस में कुछ ज्यादा नहीं है, एडवांस में सिर्फ सीरीज सर्किट है, पैरेलल नहीं है, बोर्ड्स में पैरेलल सीरीज सब है, बोर्ड में पैरेलल सीरीज सब है। तो यहाँ पे देखते हैं सीरीज एलसीआर सर्किट एंड कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, एंड कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। यहां पे ये ड्रॉ कर देते हैं आर सी और एल, आर सी और एल। तो बेटा यहां पे हमें जो भी हम कर रहे हैं तो ध्यान रखना, अगर आपको याद हो हम सुपरपोजिशन ऑफ तीन एसटीएम कर रहे हैं, अगर आपको याद हो ये तीन साइनसॉइडल टर्म्स ऐड करके एक निकाल रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डूइंग स्लो पोजीशन। तो इसके स्लो पोजीशन, तो जब भी हम इसे कर रहे हैं तो बेसिकली वेट्स की थ्योरी ही लगा रहे हैं, बेसिकली एसटीएम की थ्योरी ही लगा रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान रखना मैंने नया कुछ नहीं किया है, सॉरी एसटीएम वेव इंटरफेरेंस की थ्योरी लगाई है। तो यहां पे ये भी दिया हुआ है वी नॉट साइन मैग्नेटी, तो एज्यूम करते हैं, एज्यूम करते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, मैं प्लस फाइव ही ले रहा हूँ बुक्स में, फिर से बोल रहा हूँ माइनस फाइव लेते हैं क्योंकि प्लस फाइव थोड़ा ये सिंपल करने के लिए,
हम बाद में फॉर्म चेंज करेंगे, फिर माइनस फाइव लिखेंगे मैथ्स के लिए, क्योंकि जिसमें जो इजी रहेगा वही करेंगे। तो बेटा इसमें आई कितना है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं v नॉट, उन सब लगाते हैं v नॉट sin ओमेगा t प्लस y पूरे के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ये कितना आएगा i नॉट r sin ओमेगा t प्लस y। इसके अंदर करंट कितना जा रहा है तो वोल्टेज इसका सेम केस में रहेगा प्लस i नॉट xc sin ओमेगा t प्लस y। कैपेसिटर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस लैग करता है, कैपेसिटेंस के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस लैग करता है प्लस आई नॉट एक्स एल साइन ओमेगा टी प्लस वाई प्लस पाई बाय टू। इंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस पाई बाय टू आगे होता है, करंट लैग करता है। तो यहां से हम देख लेते हैं बेटा आई नॉट तो मैथ से आराम से निकाल लोगे, ये प्लस वाई माइनस पाई टू तो ये माइनस में आ जाएगा, वो प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना, एक साइन में आएगा एक कॉस में आएगा। तो पर हमें क्या करना है, हम फेजर ड्रॉ करते हैं, अपन फेजर ड्रॉ करते हैं तो आई नॉट आर कैसे आएगा, ये आएगा आई नॉट आर, ये एंगल कितना आएगा फाइव, ये कितना आएगा प्लस फाइव माइनस फाइव बाई टू, तो एक्स ही आ जाएगा ऐसे, यहाँ से कितने पे आएगा फाइव बाई टू पे प्लस आई नॉट एक्स एल, टी को जीरो डालो प्लस फाइव प्लस फाइव बाई टू, तो ये आ जाएगा आई नॉट एक्स एल, ये आ जाएगा आई नॉट एक्स एल, यहाँ से एंगल कितना आ जाएगा पाई बाई टू, तो ये पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू। तो और वी नॉट कैसे आएगा, वी नॉट कैसे आएगा बेटा, वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसका मतलब इन तीनों वेक्टर का सम ये है, इन तीनों वेक्टर का सम ये है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको एक्स सी माइनस एक्स एल, ये कर लेते हैं आर, और ये वाला एंगल डाल देते हैं फाइव, और ये डाल देते हैं वी नॉट। तो इन दोनों का सम आई नॉट इंटू आर, आई नॉट इंटू आर और यहाँ पे आई नॉट इंटू ए, तो बेटा इम्पिडेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वी नॉट स्केयर कितने बार हो जाएगा, आई नॉट स्केयर आर स्केयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्केयर अंडर रूट। यहाँ पे एक्स माइनस एक्स एल लिखा है, स्केयर करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस की वजह से उल्टा लिखते हैं, तो जैसे बुक्स में लिखा जाता है मैंने उसी तरह से लिख दिया ताकि यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ना। तो बेटा इम्पिडेंस कितना आ जाएगा, इम्पीडेंस ऑफ एल सी आर, ये जेड आ जाएगा वी नॉट बाय आई नॉट, कितना आ जाएगा आर स्केयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्केयर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आर स्केयर प्लस ओमेगा एल माइनस वन बाय ओमेगा सी होल स्केयर अंडर रूट। तो बेटा ये वाली टर्म जिसमें ओमेगा रहता है इसको बोलते हैं रिएक्टेंस, ध्यान से सुनना, ये वाली टर्म जिसमें ओमेगा रहता है इसको बोलते हैं रिएक्टेंस, ये टर्म जिसमें ओमेगा नहीं रहता इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, पूरे को मिलाके इंपेडेंस बोलते हैं, पूरे को मिलाके इंपेडेंस बोलते हैं। तो इंपेडेंस ही आ गया। तो अब हम करंट निकालने के लिए बेटा आई नॉट मिल जाएगा हमें, आई नॉट मिल जाएगा, तो यहाँ पे आई नॉट कितना आएगा तो लिख लेते हैं आई नॉट कितना आएगा, आई नॉट विल बी इक्वल टू वी नॉट बाय आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर, सॉरी एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्केयर का अंडर रूट टेन फाइव। फाइव निकालने के लिए टेन फाइव सब दिखाई दे रहा है, टेन फाइव कितना आएगा बेटा इन दोनों का सम, ये टेन फाइव कितना आएगा, टेन फाइव विल बी इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी बाय आर, या इसको ले लो एक्ससी माइनस एक्सएल बाय आर। तो यहाँ पे सही लिखो ये कितना आएगा xc minus xl। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, xl xc से बड़ा है या xl xl से कम है। तो मैं इसके पावर डेरिवेट करता हूँ, इसके पावर डेरिवेट करता हूँ, इंपॉर्टेंट पार्ट है थोड़ा सा इसको नोट कर लो। तो बेटा अब इसके बाद हम लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका, बाकी तो हमने कर रखा है बहुत बार पावर डिलीवर्ड टू। तो यहां पे देखते हैं पावर डिलीवर्ड टू एलसीआर सर्किट, बेटा पावर डिलीवर्ड कितना आ जाएगा वी नॉट आई नॉट बाई टू इंटू कॉस ऑफ फाइव।
अब cos ऑफ y कितना आएगा बेटा, ये साइड पे ये साइड, cos ऑफ y कितना आएगा ये साइड पे ये साइड, ये साइड कितने आएंगे फाइनल, ये कितना होगा, ये कितना होगा v नॉट। तो बेटा cos ऑफ y इनटू cos ऑफ y, तो cos ऑफ y इसी डायग्राम से देखो कितना आएगा, i नॉट r by कितना आएगा, i नॉट r by v नॉट हमेशा इतना होगा, और ये कितना आएगा R by Z, क्योंकि V naught by I naught इतना आएगा, तो cos of I आ जाएगा R by R square plus omega L minus 1 by omega C whole square under root। तो power delivered आ जाएगा, average power delivered आ जाएगा V naught I naught by 2 into R by R square plus omega L minus 1 by omega C square into under root। अब एक बार देखते हैं बेटा, इसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को जीरो से इनफिनिटी तक चेंज करेंगे, तो देखते हैं मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड कब आएगी। तो मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड कब आएगी, जब ओमेगा वन बाय ओमेगा सी के बराबर होगा। तो मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड कब आएगी बेटा, ओमेगा को कर दो जीरो, ओमेगा को कर दो जीरो, जीरो आ जाएगा, ओमेगा ऑफ कर दो जीरो, ओमेगा ऑफ कर दो इनफिनिटी, देखो ओमेगा ऑफ कर दो इनफिनिटी, ये आ जाएगा जीरो, ये आ जाएगा इनफिनिटी, तो पावर डिलीवर्ड कितनी आएगी जीरो, ओमेगा ऑफ कर दो जीरो, ओमेगा ऑफ कर दो जीरो, ये टर्म जीरो आ जाएगी, इनफिनिटी आ जाएगी, तो 1 बाय 3 कितना आएगा जीरो। तो पावर डिलीवर्ड एज फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो हम यहां पे ड्रॉ करते हैं पावर डिलीवर्ड एज फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो हम यहां पे डिलीट करते हैं पावर डिलीवर्ड, तो हम यहां पे लिखते हैं power delivered to LCR circuit as function of frequency of source। ये किससे आएगा, ये ग्राफ आएगा इस तरह से, ये ग्राफ आएगा इस तरह से, ये एवरेज पावर आएगी, यहाँ पे एंगल फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ बेटा, ये आएगा इस तरह से, ये आएगा इस तरह से, क्योंकि ओमेगा को जीरो डालेंगे, ये तो जीरो आ जाएगा, चला गया खत्म, वन बाय जीरो माइनस इनफिनिटी, जब प्लस से माइनस कैसे भी इनफिनिटी डाल दो, तो बेटा वन बाय इनफिनिटी कितना हो जाएगा जीरो, इसको इनफिनिटी डाल दो, वन बाय इनफिनिटी जीरो हो जाएगा। तो जब भी न्यूमरेटर मिनिमम होगा पावर मैक्सिमम आएगी, तो बेटा ओमेगा जब भी ओमेगा इसके बराबर आएगा, ये पॉजिटिव टर्म है ये पॉजिटिव टर्म है, तो ये जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये कौन सी फ्रिक्वेंसी पे आएगा, ये कौन सी फ्रिक्वेंसी पे आएगा यहाँ पे, तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी पे आएगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं पावर डिलीवर्ड इज मैक्सिमम, तो एवरेज पावर, पावर डिलीवर्ड इज पावर डिलीवर्ड इज मैक्सिमम व्हेन एक्सएल विल बी इक्वल टू एक्सी और ओमेगा एल विल बी इक्वल टू ओमेगा सी और ओमेगा विल बी इक्वल टू वन बाय अंडर रूट LC। तो सर्किट को मैक्सिमम पावर कब मिलेगी, यहाँ पे दिस कंडीशन इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ सोर्स, दिस कंडीशन इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, दिस इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो बेटा ये मैंने एकदम बेसिक मेथड कर दिया है, बट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप मेंस के लिए ये वाला मेथड मत यूज करना, ये वाला मेथड एडवांस के लिए बहुत बेटर है, मेंस के लिए हम दूसरा मेथड करेंगे, मेंस के लिए हम दूसरा मेथड करेंगे। तो मैं कल के मेथड के लिए पहले बेसिक्स डिस्कस कर देता हूँ, पहले बेसिक्स डिस्कस कर लेता हूँ, तो ये सारी चीजें हम ऐसे करेंगे। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू फाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो वी आर गोइंग टू फाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अब देखते हैं हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड शुरू में स्टार्ट करेंगे तो हमें पता नहीं चलता हमें करना क्या है।
तो ध्यान रखना, कोई भी एक एलसीआर सर्किट लेता हूँ, कोई भी एक एलसीआर सर्किट लेना, कोई भी एक एलसीआर सर्किट लेता हूँ, यहाँ पे एसी सोर्स है, यहाँ पे एसी सोर्स है जिसकी वोल्टेज दी हुई है वी नॉट साइन ओमेगा टी, और मुझे करंट निकालना है इससे, करंट निकालना है तो करंट कैसे आएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस कर, तो मुझे दो चीजें निकालनी है, करंट का एम्पलीट्यूड और ये फाई। तो बेटा ये इसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज कितनी होगी, मैक्सिमम वोल्टेज कितनी होगी वी नॉट। तो अगर मुझे इसका इम्पीडेंस पता चल जाए, अगर मुझे इसका इम्पीडेंस पता चल जाए तो करंट कितना आएगा, आई नॉट जेड, आई नॉट जेड इनटू फाई। तो ध्यान रखना यहाँ पे कोई भी एक ब्लैक बॉक्स है, तो ध्यान रखना ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ एलसीआर सर्किट्स। तो यहाँ पे देखते हैं ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ एसी सर्किट्स। तो हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, तो हम यहाँ पे देखना शुरू करते हैं, यहाँ पे हम देखना शुरू करते हैं। ये कोई भी ब्लैक बॉक्स है, ये कोई भी एक ब्लैक बॉक्स है, यहाँ पे एसी सोर्स लगा दिया है, यहाँ पे एसी सोर्स लगा दिया है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अपन को करंट निकालना है, अपन को करंट निकालना है, तो करंट कैसे आएगा, I विल बी इक्वल टू I नॉट इनटू Z। बेटा इसके अक्रॉस मैक्सिमम करंट कितना है, तो इसके अक्रॉस मैक्स वोल्टेज कितनी आएगी, वी नॉट, मैक्स वोल्टेज कितनी आएगी, वी नॉट। तो Z को हम कैसे डिफाइन करते हैं, किसी भी ब्लैक बॉक्स के Z को कैसे डिफाइन करते हैं, V नॉट बाय I नॉट। तो अगर इस ब्रांच की आप इम्पीडेंस पहले निकाल लेते हो, इसकी इम्पीडेंस पहले निकाल लेते हो, तो बेटा इसके जो करंट आई जा रहा है, इस पूरे सर्किट की इम्पीडेंस इतनी है, तो इसके अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, आई नॉट जेड इंटू साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, प्लस माइनस फाइव। तो यहाँ पे देखते हैं, तो बेटा करंट निकालने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत होगी, तो टू फाइंड करंट वी नीड जेड एंड फाइव टू फाइंड करंट। तो हम यहाँ पे देखते हैं, To find current, we need Z and phi. तो बेटा अगर ये पूरा inductive होगा, अगर ये पूरा inductive होगा, तो current का phase pivot to पीछे आएगा, तो phi आएगा negative. अगर ये inductive होगा, तो phi आएगा negative. अगर ये सिर्फ capacitive है, अगर ये सिर्फ capacitive है, तो current का phase pivot to आगे आता है, तो phi आएगा plus pivot to. तो phi plus भी हो सकता है, minus भी हो सकता है. मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर ये आरसी है तो करंट का फेस जीरो और पिवट के बीच में क्यों बढ़ेगा, अगर ये आरसी है तो रेजिस्टेंस को फिर बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा, कैपेसिटेंस पिवट को बढ़ाने की कोशिश करेगा, रेजिस्टेंस सेम करने की कोशिश करेगा, तो फेस कहीं जीरो और पिवट के बीच में आ जाएगा। अगर ये एलआर है तो रेजिस्टेंस को फेस सेम करने की कोशिश करेगा करंट पीछे, तो फाई आ जाएगा नेगेटिव। तो हम लिख सकते हैं टू फाइंड करंट वी नीड फाई इज पॉजिटिव फॉर capacitive impedance, for capacitive impedance, जिस impedance resistance के साथ अगर capacitance होगा, resistance के साथ अगर capacitance होगा, phi is negative for, phi is, तो यहाँ पे ये phi अगर ऐसे लिखेंगे, ये अगर phi ऐसे लिखेंगे, phi is negative, तो बेटा अब ध्यान में रखना यहाँ पे बुक्स में जो भी लिखा होता है वो इस तरह से नहीं होता है, वो इस तरह से होता है माइनस फाइव। बुक्स में जो भी इस तरह से होता है वो इस तरह से लिखते हैं आई नॉट जेड साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो हमें फेज निकालना है, हमें फेज निकालना है, तो हमने देख लिया किसमें आगे रहता है किसमें पीछे रहता है, वो हमने देख लिया, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमें दो चीजें निकालनी होती है, इम्पीडेंस और फाइव, इम्पीडेंस और फाइव। तो हम एक बार देखेंगे, तो what we have to learn is how to find impedance of circuits. So what we have to learn is, so we need to learn how to find impedance of circuits. बेटे मैं आपको बोल रहा हूँ इम्पीडेंस निकालोगे तो फाइव खुद से निकल आएगा, तो आपको सिर्फ इम्पीडेंस निकालना चाहिए, तो हम कल डिस्कस करेंगे, आपको सिर्फ इम्पीडेंस निकालना चाहिए, तो हमने जितना भी काम किया होता है की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इम्पीडेंस निकालना चाहिए। इम्पीडेंस निकाल लिया साथ में फाइव आ जाता है, साथ में फाइव आ जाता है,
ये हम सबको पता है, हमें कुछ भी नया सीखने की जरूरत नहीं, हमें कुछ भी नया सीखने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला मेथड हम कल करेंगे, ये वाला मेथड बेटा हम कल करेंगे। इम्पीडेंस कैसे निकालने हैं, इम्पीडेंस कैसे निकालने हैं, सीरीज पैरेलल हम करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले लगाएंगे। तो आपको क्या याद रखना है, इंडक्टर में करंट लैग करता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, ये कुछ चीज़ याद करनी है। तो कल हम इसका दूसरा एनालिसिस का मेथड करेंगे। तो बेटा जो डेफिनेशन है, अगर वी नॉट इतना दिया हुआ है तो हमें बाकी सब चीज़ों की जरूरत नहीं। तो करंट भी ऐसे आएगा, तो मैक्सिमम करंट निकालना है, तो मैक्सिमम वोल्टेज पर मैक्सिमम करंट इम्पीडेंस आएगा, मैक्सिमम वोल्टेज पर मैक्सिमम करंट इम्पीडेंस आएगा। तो बेटा ये सॉरी ये यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, ये मैंने सॉरी गलत लिख दिया। तो बेटा ये कितना आएगा, अगर ये वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है तो ये आएगा V नॉट बाई जेड मैक्सिम करंट। फिर मैक्सिम वोल्टेज लिख दी थी मैंने गलती से। तो करंट कितना आएगा, मैक्सिम करंट इंटू साइन ओमेगा t माइनस फाइव। तो हमें अगर वोल्टेज दी हुई है तो मैक्सिम करंट कितना आएगा, तो बेटा इसकी इम्पीडेंस जेड है, तो मैक्सिम करंट कितना आएगा, मैक्सिम वोल्टेज पर मैक्सिम करंट इज इम्पीडेंस, तो मैक्सिम वोल्टेज पर इम्पीडेंस कितना आएगा मैक्सिम करंट। तो अपन को सिर्फ दो चीज़ निकालनी है, जेड और फाइव। तो ध्यान रखना ये z हमने इसलिए लिखा हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बेटा z लिखने के पीछे कारण ही था एक मॉडल्स और एक आर्गुमेंट। तो हम कल से कॉम्प्लेक्स नंबर्स स्टार्ट करेंगे, कल से कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाला केस स्टार्ट करेंगे। मैं कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू में इसलिए नहीं लिया, उसमें कुछ कंफ्यूजन होती है। तो बेटा हम कल देखेंगे, किसी को कोई डाउट्स है तो पूछ लो। गुड मॉर्निंग बेटा, बेटा दो मिनट रुकना, मैं वो फाइल डाल रहा हूँ। बेटा दो मिनट रुकना प्लीज, मैं फाइल शेयर कर दे रहा हूँ। एक बेटा मैं दो फाइल शेयर कर दे रहा हूँ, प्लीज रुकना दो मिनट। बेटा मैं असाइनमेंट की फाइल शेयर कर दे रहा हूँ। फाइल्स कहाँ से भेजनी है, अच्छा फाइल्स यहाँ पे। बेटा प्लीज फाइल्स डाउनलोड कर लेना, ये साइड में चैट में शेयर करते हैं। बेटा आपको ऑफिस भी दे देंगे सेम असाइनमेंट से, जिसको नहीं मिली है वो वहां से डाल देंगे।
मेरे पास क्लास खत्म हो गई, ये आप फाइल्स डाउनलोड कर लेना, म्यूट करके बैठ रहा हाँ बेटा कर दी ना फाइल। आयुष